एक ओर जहां कोरोना वायरस के कारण प्रदेश में सैनिटाइजेशन और साफ सफाई की व्यवस्था पर जोर दिया जा रहा है, तो दूसरी ओर इटावा में साफ सफाई की बद इंतजामी ने प्रशासन के दावों की पोल खोल कर रख दी है। दरअसल नगर पालिका परिषद के द्वारा जिले में सफाई अभियान चलाया जा रहा है। हालांकि ये सफाई अभियान शहर के सिर्फ पॉश इलाके में ही देखने को मिलता है, जबकि शहर के दूसरे इलाकों में सफाई अभियान के नाम पर सिर्फ गंदगी का अंबार लगा हुआ है। जनता का आरोप है कि ना तो कहीं सैनिटाइजेशन हो रहा है और ना ही सफाई व्यवस्था के लिए प्रशासन की ओर से कोई इंतजाम किए गए हैं। हमारे पास कोई नहीं आया साहब, देखो गंदगी कितनी पड़ी है, आपने देख लिया होगा, यहाँ पे कोई सुनता नहीं है, कितना बोले, किस किस को बोले साहब। नहीं, सरकार की तरफ से कहा गया गंदगी ना हो, सैनिटाइजर हो। आपके यहाँ मोहल्ले में सैनिटाइजर हुआ है? नहीं हुआ, सैनिटाइजर भी नहीं हुआ साहब, वो गंदगी का अंबार है, बहुत ज्यादा है गंदगी। कहाँ रहते हैं आप? मैं श्यामनगर में ही रहता हूँ साहब, ये मेरी दुकान है, दुकान के बगल में ही देखो गंदगी आप। इतना ही नहीं, नगर पालिका प्रशासन द्वारा बनाया गया कोविड हेल्थ डेस्क भी अधिकारियों के लिए मजाक बन गया है। तभी तो कोविड हेल्थ डेस्क पर कुत्ते बैठे हुए दिखाई दिए। साथ ही नगर पालिका परिषद के दफ्तर में चेयरमैन और सीईओ अपनी ड्यूटी के वक्त नदारद दिखे। वहीं सफाई निरीक्षक जनता के आरोपों पर अपने विभाग का बचाव करते दिखाई दिए। जनता जो कह रही है उसको हमें बताएं कौन सा क्षेत्र में नहीं हो रहा है। लाइन उस पार और लाइन इस पार, लाइन उस पार में बहुत सारे वार्ड हैं, 12 वार्ड हैं, 12 वार्ड में जगह बता दें कि कौन से क्षेत्र में नहीं हो रहा है। मैं तत्काल 5 मिनट के अंदर वहां पे सफाई सैनिटाइजेशन का कार्य करा। जनता बताएगी? हाँ जनता बताएगी। जनता आपका विभाग देखने नहीं जाएगा? हाँ जाता है हमारा। तो फिर जनता क्यों बताएगी? जनता बताएगी बाई चांस हमारा कर्मचारी या सुपरवाइजर नहीं पहुंच पा रहा है कार्य की अधिकता के कारण, तो जनता को अवगत कराना होगा। और हम लोग निरीक्षण भी कर रहे हैं समय समय पे। और आपको बता दें सरेआम आरोप भी ये लगा रहे हैं जी, जो आप सैनिटाइजर कर रहे हैं जी, ये सड़कों पे कर रहे हैं, सड़कों पे फेंक रहे हैं। नहीं, सड़क पे नहीं, जो सड़कों पर फेंका जा रहा है आपके माध्यम से द्वारा, आपके विभाग द्वारा गाड़ियों से, ये सही है या गलत है? ये निराधार है, गलत है। ये हमारा जो सैनिटाइजेशन प्रोसेस है, जो कोरोना वायरस वो हवा में है, एयरबॉर्न है, और एयर में ही एक जगह से दूसरे जगह जाता है, तो हम हवा में करते हैं या टचिंग, पब्लिक टचिंग एरिया, जैसे हैंडल है या ग्रिल है या कुछ, अगर चलते चलते वो हवा में या वहाँ जा रहे हैं तो कुछ तो पार्ट गिरता ही है उस पर सड़क पे, तो ये कहना गलत है कि सड़क पे कर रहे हैं। जहाँ प्रदेश सरकार के मुखिया योगी आदित्यनाथ अपनी पाठशाला में सरकारी अधिकारियों को रोज नए नियम कायदे कानून के पाठ पढ़ाते हैं, वही अधिकारी उनकी ट्यूशन पढ़ने के बाद उन्हीं के नियम आदेशों की उड़ाते हैं धज्जियां और दिखाते हैं ठेंगा। ताज़ा मामला इटावा जनपद का है, जहां नगर पालिका प्रशासन पूरी तरीके से नींद में सोया हुआ है। जहां जनता का आरोप है कि ना तो सैनिटाइजर हो रहा है ना साफ सफाई, मगर नगर पालिका अपने दावे पेश जरूर कर रही है कि चारों तरफ साफ सफाई हो रही है, मगर देखने वाली बात ये होगी ऐसी गंदगी से अगर कोई वायरस फैलता है, इस वायरस से बीमारी फैलती है, तो नगर पालिका के कर्मचारी या अधिकारी या इसका जिम्मेदारी कौन लेगा? इटावा से अरविंद कुमार, पंजाब केसरी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।